सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे ऐसा कि जो हमें अलग अलग प्रकार से जो अपडेट मिली है और 360 के माध्यम से हम सभी लोगों को एक कंप्लीट अपडेट, जो एक पॉजिटिव अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, वो हम सब लोगों को मिल चुकी है। और उसके बाद बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। आगे क्या करना है, कैसे काम करना है, आगे किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाना है, वो सभी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स अपनी अपनी प्लानिंग में जो है लग चुके हैं। अभी दो चार सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कि हमारा जो ओ कनेक्ट है उसकी जो एक काउंटडाउन जो चल रहा है, यानी कि जो हमें 90 दिन का जो हमने पैक खरीदा हुआ है, क्या ये हमें आगे इसका एक टाइम को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो भाई ये तो सीधी सी बात है, ये हमने पैक खरीदा है और पैक खरीदने में और फ्री ट्रायल मिलने में थोड़ा सा फर्क होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें ये इसके लिए टाइम एक्सटेंड किया जाएगा, तो नहीं। अगर ये फ्री ट्रायल होता तो कंपनी सोचती, ये तो हमने पैकेज खरीदा है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहां पे हमारा कोई भी टाइम एक्सटेंड नहीं होगा, टाइम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वी आर गारंटीड यूनिकॉर्न कंपनी एंड नो कॉम्प्रोमाइज विद माई ड्रीम, नो कॉम्प्रोमाइज विद माई ड्रीम। दोस्तों आज ये दोनों पॉइंट है ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे आने वाले वक्त के अंदर, इन सभी लोगों को समझाने के लिए एक एक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज 20 अक्टूबर 2023 हो चुकी है और आपको पता है कि हमारा जीटेक्स ग्लोबल जो एग्जीबिशन चल रहा है उसका आखिरी दिन है। और उसकी अगर कोई भी वीडियो अगर हमारे पास आती है किसी भी तरीके से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम के माध्यम से अगर हमारे पास हमारे ग्रुप के अंदर शेयर होती है, तो उसकी वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल पर जो है आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं वहां पे जो भी हमारे एग्जीबिशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी एक वीडियो जो भी हमारे पास आती है मैं वहां पे अपलोड जरूर करता हूं, ताकि आपको वहां पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां पर हम आपको देते हैं अपने वेबिनार की लिंक, जो कि आप रात को 9:30 बजे जो है उसको अटेंड कर सकते हैं, और अटेंड करने के बाद बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको दी जाती है। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। वी आर गारंटीड यूनिकॉर्न कंपनी, यूनिकॉर्न कंपनी आप सबको पता है कि हम शुरुआत से ही सपना देखते आ रहे हैं और एस फुफारे सब भी ये सपना देखते आ रहे हैं, और ये सपना हमारा 110% जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज एक साल का समय होता है और एक साल के अंदर हमें वो काम सभी कर देने हैं जो कि किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी तक पहुंचाते हैं और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी तक पहुंचाते हैं। लेकिन एस सर ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एक बात तो कह दी है कि हम यहां पे गारंटी के साथ एक यूनिकॉर्न कंपनी है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से हमारा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, जिस तरीके से हमारे कस्टमर यहां पे लगातार आ रहे हैं, उन सभी को देखने के बाद में हम यहां पे ये पूरे तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी तरीके से अपने बिजनेस को एनालिसिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। ये आपके लाइफ की भी एक बात होती है कि आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो तो आप अपने एक हफ्ते का, अपने एक महीने का और फिर अपने एक साल का पूरा एनालिसिस आप जरूर करिए, जो भी आपने काम किया है कि वहां पे आपने कहां पे गलती की है जिसकी वजह से आप थोड़े से पीछे रह गए, कहां पे आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप आगे नहीं निकल पाए, ऐसा आपने कौन सा काम किया है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे लेकिन आपका वो काम किसी गलती की वजह से रह गया, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आगे एस मुफारिसन ने कहा है कि वी कुड रीच द बिलियन डॉलर्स मार्क इन लेस देन 4 मंथ। जी हां, हम यहां पे 4 मंथ के अंदर जो है बिलियन डॉलर्स में जो है पहुंच सकते हैं, बिलियंस डॉलर्स में हम यहां पे पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यही है कि यहां पर अगर इतनी बड़ी बात अगर हमारे एस सर यहां पर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी प्लानिंग जो है यहां पे अच्छी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम होता है ना तो वो एक प्लानिंग के साथ ही तय किया जाता है, उसमें एक बहुत बड़ी प्लानिंग छुपी हुई होती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं होता है। यहां पे यूनिकॉर्न कंपनी बनना कोई एक हंसी खेल नहीं होता है, इसमें बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगती है और बिलियंस में और मिलियंस में हमें बिजनेस करके दिखाना होता है, तब जाकर के यूनिकॉर्न कंपनी में हमारा नाम शामिल होता है। अब यहां पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि अगर अपनी कंपनी जितनी ज्यादा बड़ी होती है, जितनी ज्यादा बड़ी होगी आने वाले टाइम के अंदर फाइनेंशियली एंड और हर एक लेवल से, उतने ही ज्यादा हम भी यहां पर जो है बड़े होते चले जाएंगे, क्योंकि यहां पे आपको पता है और हम सबको पता है कि जिस तरीके से ट्रैफिक
यहां पे जनरेट हो रहा है और इस ट्रैफिक के माध्यम से ही हमारे पास लाखों कस्टमर यहां पे आने वाले हैं। और जब यहां पे लाखों कस्टमर आएंगे तो वो हमें वो यहां पे आकर क्या करेंगे, यहां पे आकर के अपने मतलब के जो भी प्रोडक्ट हैं उसको परचेस करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे और उसमें कंपनी का एक टर्नओवर बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और जब कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो यहां पे आपको पता है कि हमारा भी टर्नओवर क्या डाउन रहेगा? नो, हमारा भी टर्नओवर यहां से जरूर बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंपनी के टर्नओवर को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। इसीलिए यहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हम बहुत ही जल्दी होंगे। यहां पे जितनी भी डिजिटल कंपनियां हैं, आपको पता है जो भी हम आज अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, या फिर चाहे वो जूम हो, या अदरवाइज कोई भी एक्स वाई जेड एप्लीकेशन हो जिसका आप डेली इस्तेमाल करते हैं, वो आज बिलियंस में एंड मिलियंस में ट्रिलियंस में वो आज कैसे पहुंच गई है, इसके पीछे क्या रीजन है? सिर्फ एक रीजन है, और वो एक रीजन है सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक का। वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है कस्टमर का। यहां पे कस्टमर किस तरीके से आते हैं, क्योंकि हम यहां पे उनको एक प्रोवाइड कराते हैं सॉल्यूशन। अगर हम कंपनी अगर हम लोगों को कोई भी कंपनी अगर सॉल्यूशन देती है तो वो बहुत सारे जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, कस्टमर होते हैं, वो उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में तो कुछ अपनी सोशल लाइफ में, या फिर तो फिर कुछ लोग अपने बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल करते ही करते हैं। सो यहां पे हम सब लोग आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत ही बड़े एक लेवल पर होने वाले हैं, एक सुपर यूनिकॉर्न भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी एस फारे सर ने अपनी थोड़ी सी जो है गारंटी तो नहीं दी है, लेकिन हाँ यहां पे यूनिकॉर्न की जो 100% उन्होंने गारंटी दी है कि हम यहां पे यूनिकॉर्न कंपनी जरूर बनेगी। इसके बाद यहां पे एक बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी मैं देना चाहूंगा कि हमारे पॉपअप में एक नया इन्फॉर्मेशन आया है, एक नई इन्फॉर्मेशन आई है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्ले बैक ओ कनेक्ट। जी हां, वी लॉन्च्ड प्ले बैक, एक ऑप्शन है प्ले बैक का, उसमें हमारे ओ कनेक्ट में उसको लॉन्च कर दिया गया है। ये क्या है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसको हम किस तरीके से अपने ओ कनेक्ट के बिजनेस के अंदर, मीटिंग के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे, इसकी पूरी समरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा और इसका प्रैक्टिकली मैं आपको जो है जरूर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर आपने पॉपअप नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, बिकॉज पॉपअप के अंदर जो भी एक नया फंक्शन आता है या नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको वहां पे जरूर मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर नो कॉम्प्रोमाइज ऑफ माय ड्रीम्स। एस सर ने इस बात को भी कहा है कि हम अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और एस सर ने तो कहा है लेकिन आपको भी अपनी लाइफ के अंदर जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता, समझौते का मतलब होता है चलो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा ही सही, अरे यहां पे अगर लाख रुपए नहीं आएंगे तो 10-20 हजार तो आ ही जाएंगे। मतलब हम इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यहां पे अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ गए तो आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि चलो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। नो, कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप उसको 100% दीजिए। अगर आप उसे 100% देते हैं तभी आपको वहां से 100% रिजल्ट भी मिलता है और आपका उसमें उस काम को करने में मन लगता है, और आपको जब रिजल्ट मिलने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा हो जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ से जो है पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है नौकरी के पीछे भागते हैं, जब नौकरी नहीं मिलती है तो वो किसी दूसरी नौकरी में चले जाते हैं, मतलब किसी दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं। अभी यहीं पर ही मैं आपको एक छोटा सा और एक सटीक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर जिस लेवल की उन्होंने पढ़ाई की, अगर आपने जिस लेवल की पढ़ाई की है, फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर बनना चाहते हैं, आपने बीएड भी कर लिया है, आपने बीटीसी भी कर ली है, आपने एजुकेशन लाइन में जाने के सारे क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, साफ सफाई कर्मचारी की वैकेंसी मिल जाती है, चपरासी की वैकेंसी मिल जाती है, तो आप उसमें ही डाल देते हो, अपना रिज्यूम डाल देते हो, अपना फॉर्म भर देते हो। तो ये क्या है, आपने पढ़ाई तो की है बीटेक लेवल की लेकिन आप जा रहे हैं किसी थर्ड लेवल में, तो यहां पे क्या है, ये एक कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी हो जाती है। तो यहां पे आप जो भी काम करें वो आपने जिस लेवल की तैयारी की है या जिस लेवल का आपने माइंडसेट किया है आपको उसी लाइन में ही जाना है, तो आप जिंदगी से जो है समझौता नहीं कर रहे हैं, आप अपने सपने के लिए जो है भाग रहे हैं। आपने जो सपना देखा है, आपने जो ड्रीम देखा है, आप उसी की तरफ भाग रहे हैं।
तो ये तो होता है बिल्कुल एक सटीक लाइन आपका जो माइंड सेट है पूरा कि मुझे यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। कोई अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो वो उसी में जाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें पढ़ाई करने के बाद भी अगर उसका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होता है तो वो अपनी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। ये नहीं, यहां पे इसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में जो है कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने जो कहा है, हमने जो सोचा है, अगर हम ऑन पैसिव के अंदर आ चुके हैं और अगर हमने यहां पर आकर के अपना कोई भी एक ड्रीम सेट कर लिया है, हमने काम करने का मन बना लिया है या हमने एस मुफारे सर का साथ देने का भी मन बना लिया है और एस सर ने जो कुछ भी हम सब लोगों से कहा है तो वो सभी काम यहां पे होंगे। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें, जिस तरीके से एस सर किसी भी हालत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं उसी प्रकार से आप भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एस सर के ऊपर ही बात लागू नहीं होती है, ये हम सब लोगों के ऊपर बात लागू होती है, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनका ड्रीम कभी भी उनकी लाइफ में जो है पूरा नहीं हो पाता है। और जो लोग आज अपने ड्रीम को पूरा करके बैठे हुए हैं, जो लोग आज बिलियंस में खेल रहे हैं, ट्रिलियंस में खेल रहे हैं, मिलियंस में खेल रहे हैं, जो आज अपने आप में एक सक्सेसफुल पीपल हैं, उन्होंने कभी अपने लाइफ से समझौता नहीं किया है। सो आज हम सब लोगों को ऐसे की एक एक बात को जो है नोटिस करना है और उसे प्रैक्टिकल में अपने बिहेवियर में शामिल भी करना है, तभी हम यहां पे सफल हो सकते हैं। सो आई होप आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि बहुत ही जल्दी हम सब लोगों के वॉलेट के अंदर जो कुछ भी एक हरा भरा माहौल दिखाई देने वाला है बहुत ही जल्दी होगा और ये सब हरा भरा माहौल हमारे बैंक के अंदर भी बहुत ही जल्दी जरूर दिखाई देगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, कंपनी उसके लिए लगातार दिन रात काम कर रही है और बहुत हर प्रकार का सॉल्यूशन यहां पे लेके आ रही है और बहुत सारी चीजें यहां पर अभी कंपनी हम सब लोगों के जो है एज ए सरप्राइज के लिए जो है लेकर के बैठी है, जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। बिल्कुल मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है जब मैं सोचता हूं कि एक साल के बाद क्या होने वाला है, दो साल के बाद क्या होने वाला है, तीन साल के बाद क्या होने वाला है, पांच साल तक की आप यहां पे एक प्लानिंग करके बैठे, आपको यहां पर एक पांच साल के बाद एक पूरी तरीके से आपकी लाइफ और आपकी न्यू जनरेशन की लाइफ पूरी तरीके से यहां पे चेंज नजर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लेबैक के बारे में, जो कि हमारे ओ कनेक्ट के अंदर जो है एक नया ऑप्शन जो है लॉन्च हो चुका है और उसका क्या काम है, किस तरीके से वो काम करेगा और उसका क्या इस्तेमाल है, किस तरीके से हम लोगों को फायदा पहुंचाएगा और ये हमारे ओ कनेक्ट की मीटिंग को और किस तरीके से जो इम्प्रेसिव बनाएगा, इसके सारे के सारे जो चीजें होंगी वो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। वी आर सो इन इट टू विन इट।